Hello and welcome everyone. I am SK Nigam, your chemistry teacher, and in today's session we would be learning the variation of conductivity and molar conductivity with the concentration and the Kurosh law. So let's begin and stay tuned. तो आज का पहला हमारा टॉपिक होगा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन. सो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का क्या ट्रेंड होगा व्हेन वी आर चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं क्विकली आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ. उससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा था, जैसे सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था जो कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए था, जहाँ पर रो रेजिस्टिविटी थी, लेंथ ऑफ द वायर था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था. ओके, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था. उसके बाद फिर हमने कंडक्टेंस पढ़ा था. कंडक्टेंस 1/r होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. इसका मतलब हुआ ये वो हो जाएगा 1/ρ और a अपॉन l, और इसी 1/ρ को हमने कंडक्टिविटी का नाम दिया था. दिस वॉज द कंडक्टिविटी. ओके, ये हमने इससे पहले के लेक्चर्स में देखा हुआ है. तो बात करते हैं कंडक्टिविटी की. कंडक्टेंस के लिए मैंने आपको समझाया था इट इज़ द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करेंट, कितनी आसानी से करंट फ्लो करती है. इसी बेसिस पे कंडक्टिविटी टर्म आया. कंडक्टिविटी हर एक मेटल की, हर एक सब्सटेंस की, हर एक सॉल्यूशन की डिफरेंट होगी. इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर. ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे डिपेंड करेगी. ओके, कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगी. इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हुए. अब हम बात करते हैं बेसिकली कंडक्टिविटी की. कंडक्टिविटी जिसको हमने कप्पा से लिखा है, ये 1/ρ है, जिसकी डिटेल हम इससे पहले के लेक्चर में पढ़े हैं, इसलिए बहुत डिटेल नहीं आएंगे. सिर्फ इसका हम ट्रेंड पढ़ना चाहते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी के बारे में जाने. तो कंडक्टिविटी क्या है, कितनी आसानी से करंट किसी एक सब्सटेंस सॉल्यूशन मेटल के अंदर से फ्लो करती है. ओके, तो कंडक्टिविटी अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं, बिकॉज हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई ये सॉल्यूशन होगा. ओके, तो सॉल्यूशन जब भी किसी सॉल्यूशन में बात करते हैं तो कंसंट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. मतलब ये हमें ये बताता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. सो कंडक्टिविटी क्योंकि सॉल्यूशन है, तो कंडक्टिविटी सॉल्यूशन में किससे डिफाइन होगी, नंबर ऑफ आयंस से डिफाइन होगी. जितने आयंस होंगे उतनी ही उसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी, बिकॉज उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उसमें से वो कैरी कर पाएगा. ओके, सो कंडक्टिविटी कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस. इफ नंबर ऑफ आयंस आर मोर, इसका मतलब है कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी कम होगी. ओके, अब बात करते हैं कि सिर्फ नंबर ऑफ आयंस कहना ही सब जरूरी नहीं है. इसके साथ साथ क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें इसका वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ओके, कितने नंबर ऑफ आयंस उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में अवेलेबल है. ओके, जितने नंबर ऑफ आयंस उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज़्यादा होंगे उतनी ही कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. तो जब हम इसके हिसाब से कंडक्टिविटी की का ट्रेंड पढ़ते हैं, तो कंडक्टिविटी जो है इट डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन. अब डाइल्यूशन की अगर बात करें, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसमें वॉल्यूम को इंक्रीज करना. वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करेगा, आप उसमें सॉल्वेंट और बढ़ाओगे. इट मींस कि आप सॉल्यूट को नहीं बढ़ा रहे हो, सॉल्यूट का अमाउंट नहीं बढ़ रहा है, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ रहा है, तभी तो डाइल्यूशन होगा. डाइल्यूशन का मतलब, डायल्यूट करने का मतलब कंसंट्रेशन का घटना. तो इसको दो तरीके से समझते हैं, इंक्रीज इन डायल्यूशन का मतलब वॉल्यूम का बढ़ना. कैसे बढ़ेगा, सॉल्वेंट ऐड करने से, या फिर इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. दोनों एक ही चीज़ है, कंसंट्रेशन का घटना या डायल्यूशन का बढ़ना, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस तरीका उसमें समझाने का डिफरेंट है. कि डायल्यूशन बढ़ने का मतलब आपने सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा के वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है. कंसंट्रेशन घटने का मतलब भी वही है, बिकॉज सॉल्यूट रिमेन सेम, एंड कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा. तो कंडक्टिविटी का क्या खास है, ये कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज ऑन डायल्यूटिंग अ सॉल्यूशन. मींस ऑन डायल्यूशन द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई दिस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ये कंडक्टिविटी घटती क्यों है. तो हमने तुरंत बात की नंबर ऑफ आयंस की. तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेस. दिस इज द रीजन कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. ओके, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ आयंस है वो डिक्रीज कर जाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस तो वही रहने हैं,
ओके, नंबर ऑफ आयंस तो नहीं घटेंगे बढ़ेंगे, बिकॉज कंसनट्रेशन में जो आप सॉल्यूट का अमाउंट है वो तो आपने सेम कर रखा है, तो नंबर ऑफ आयंस तो रहेंगे वही, इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जैक्टली वही रहेंगे, बट वीक में थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले नहीं करता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी हमारी, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों में ही एप्लीकेबल होगा, दोनों में मतलब स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये दो नए टर्म आपके लिए सामने आ गए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। हालांकि ये नए नहीं है, बिकॉज आपने क्लास टेंथ में पढ़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आई थिंक सबको याद होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं व्हेन दे डिसॉल्व इन द वाटर, और यू कैन से द दे आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट आयंस, जिससे वो कंस्टिट्यूट होते हैं। 100% मान सकते हैं कंप्लीट आयोनाइजेशन, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और वीक में हम कहते हैं पार्शियल डिसोसिएशन या पार्शियल आयोनाइजेशन होगा। ओके, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी नंबर ऑफ आयंस दे चुका है जब आपने उसको वाटर में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाया है। वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज नहीं होता है, तो उसमें नंबर ऑफ आयंस ऑलरेडी कम होते हैं, और जब आप डायल्यूट करते हो तो थोड़ा सा तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करता है, पर ये इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है कि ये कंडक्टिविटी को बढ़ा पाए, बिकॉज पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। ओके, अब आते हैं हम किस पे, अब हम मूव करते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे। तो कंडक्टिविटी का वेरिएशन समझ में आया आपको, ऑलवेज कंडक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग डायल्यूशन और इंक्रीजिंग डायल्यूशन और डिक्रीजिंग कंसनट्रेशन। क्लियर, तो कंडक्टिविटी हमेशा घटेगी जैसे जैसे आप डायल्यूशन को बढ़ाते हो या कंसनट्रेशन को घटाते हो। क्लियर, अब आते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या करती है, मोलर कंडक्टिविटी को आपने लैम्डा एम से लिखा है, और इसका फॉर्मूला होता है के बाई सी, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब एक मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी, वन मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, मतलब इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज़ वन मोलर, देन जो कंडक्टिविटी होती है वही मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। अगर कंसंट्रेशन वन मोलर होगी तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के, यही तो फॉर्मूला होगा। अगर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन इज वन मोलर देन लैम्डा एम इज इक्वल टू के, मीन्स मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो इसी पे बेस होके हम बताते हैं कि इफ द सॉल्यूशन इज हैविंग वन मोल एंड वी वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को हमने वेरिएबल माना हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स को हमने फिक्स कर रखा है, एक मोल है वी वॉल्यूम है, तो हमारा लेमडा एम क्या हो जाएगा, के अपॉन सी क्या होता है, एन अपॉन वी कंसंट्रेशन टर्म। ओके, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो इट इज़ इक्वल टू के इंटू वी अपॉन एन, और जिसको हमने क्या माना हुआ है कि ये वन मोल है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, के इंटू वी, मीन्स लेमडा एम इज इक्वल टू, एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया, दैट इज लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू वी। के इंटू वी मीन्स लेमडा एम क्या है, पहले तो लेमडा एम हमारी मोलर कंडक्टिविटी है, इट इज़ मोलर कंडक्टिविटी, देन के क्या है, इट इज़ अ कप्पा मीन्स कंडक्टिविटी, इट इज़ कंडक्टिविटी, एंड वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और यू कैन से इट इज़ डाइल्यूशन। ओके, तो लेमडा एम इज इक्वल टू क्या हुआ, के इंटू वी, ये कब होगा, जब वन मोल का सॉल्यूशन है और वी वॉल्यूम है। क्लियर, तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला आपके सामने आया, लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू वी। क्लियर, अब हम इस पर फोकस करेंगे। क्लियर, सो लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू वी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला व्हाट हैपन, इफ यू इंक्रीज द डायल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डायल्यूशन और डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, ओके, डायल्यूशन बढ़ाना या कंसंट्रेशन का घटाना, ओके, तो थोड़ा राइटिंग गंदी है आप समझ लीजिएगा, ऑन इंक्रीजिंग डायल्यूशन या डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, दोनों से स्टेटमेंट सेम है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस, ये क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखिए, तो आपने जब डायल्यूशन को बढ़ाया या कंसंट्रेशन को घटाया तो कंडक्टिविटी तो घटी, दिस इज के, इट डिक्रीजेस, बट वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीजिंग एंड इंक्रीज इन वी कंपनसेट इट ऑल दीज मैटर
इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. इंक्रीज इन वॉल्यूम कंपनसेट द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी. मीन्स इससे पहले हमने क्या पढ़ा, कंडक्टिविटी हमेशा घटेगी अगर आपने डायल्यूशन बढ़ाया तो, ओके, या कंसनट्रेशन घटाया तो कंडक्टिविटी तो घट जाती है, पर एट द सेम टाइम वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, ओके, के इन टू वी, कंडक्टिविटी तो घट रही है पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम का जो इंक्रीमेंट है ये डिक्रीज इन कंडक्टिविटी को कंपनसेट कर देता है, मीन्स ये इसको ओवरकम कर देता है. इसका मतलब है ओवरऑल हमारा क्या हुआ कि जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो हमेशा इंक्रीज करेगी अगर आप डायल्यूशन को बढ़ाते हो या कंसनट्रेशन को घटाते हो. ये तो हमारा एक्सप्रेशन होगा मैथमेटिकल और थियोरेटिकल हमने आपको समझाया. अब हम इसके लिए एक ग्राफ आपको दिखा रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, उसको आप ऑब्जर्व करिए और इस ग्राफ की हम स्टडी करेंगे. इस ग्राफ को अगर हम देखें तो अभी तो दोनों चीज़ क्लियर हो गई, कंडक्टिविटी क्या होगी डायल्यूशन के साथ साथ घटेगी. क्यों घटेगी? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटते हैं और मोलर कंडक्टिविटी जो हमारी होती है ये क्या होती है, ये डायल्यूशन के साथ या डिक्रीज इन कंसनट्रेशन के साथ क्या होगी, हमेशा इंक्रीज करेगी. क्लियर? जिसको हमने इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया. अब वो डायग्राम आप देखिए और जो आपके एनसीईआरटी में बना है, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे ग्राफ फिर से खुद भी ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ इसमें होता क्या है. ओके, तो यहाँ पे अंडर रूट सी है और यहाँ पे लैम्डा एम है. एक लाइन आपको ऐसे दिख रही है और एक लाइन आपको ऐसे दिख रही है. ओके, ये जो दो लाइन्स हैं, इन दोनों लाइन्स पे एनसीईआरटी बोर्ड एग्ज़ाम में, सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है. और ये जो ग्राफ है आपका, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होगा और दूसरा वाला जो है ये वाला, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का होगा. ओके, अब बात करते हैं ये ग्राफ है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखिए अंडर रूट सी है और वाई एक्सिस पे है लैम्डा एम जो कि मोलर कंडक्टिविटी है. मींस इफ़ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मींस अगर आप इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट कर रहे हो, मींस कंसंट्रेशन घट रही है यानी क्या बढ़ रहा है, डायल्यूशन बढ़ रहा है ना. तो एज हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस डिस्कस करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और अगर आप इस ग्राफ को देखो तो इस ग्राफ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो हमने कर्व ग्राफ बनाया है वो एकदम स्ट्रेट लाइन है. इट मींस इट इज़ फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की y इज इक्वल टू mx प्लस c की भी कोई इक्वेशन होगी. तो हमने जब इस ग्राफ को स्टडी किया तो हमें एक इक्वेशन मिली, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a अंडर रूट c या c टू द पावर 1/2. दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो. ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. y इज इक्वल टू mx प्लस c का ये हमारा फॉर्मूला हुआ. ओके, तो अब देखिए y एक्सिस पे क्या है, लैम्डा m, एंड x एक्सिस पे क्या है, अंडर रूट c है. और स्लोप क्या है, माइनस a, मतलब डिक्रीजिंग स्लोप आ रहा है. ये देखिए डिक्रीजिंग स्लोप है. इसकी वैल्यू क्या है, माइनस a, जो कि डिपेंड करेगी हर एक इलेक्ट्रोलाइट की अपनी अलग होगी. ओके, ये इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू अपनी अलग अलग होती है. ओके, अब बात करते हैं सी, इंटरसेप्ट होता है. इंटरसेप्ट कब मिलता है, जब हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और वाई एक्सिस पे इसको टच करते हैं. जैसे हमने इसको यहाँ पे टच किया तो हमें इंटरसेप्ट मिला सी, और सी हमारा क्या है यहाँ पे इक्वेशन में, लैम्डा एम नॉट. दिस इज लैम्डा एम नॉट. अब लैम्डा एम नॉट क्या है, लैम्डा एम नॉट मतलब कि ये है मोलर कंडक्टिविटी और यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म क्या है, जीरो है ना. मैथमेटिक्स में आपने सबने कोऑर्डिनेट्स पढ़े हुए हैं, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है. एक्स कोऑर्डिनेट है क्या, कंसंट्रेशन टर्म, जो कि जीरो है. मतलब कि जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी तब जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वही है लैम्डा एम नॉट. इसका मतलब है कि इट इज़ द कंसंट्रेशन, इट इज़ एट दिस पोजिशन द कंसंट्रेशन इज जीरो. इसका मतलब इट इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इसके लिए एक नया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब इतना डाइल्यूट आपने कर दिया कि वो इन्फिनिटी तक चला गया है और कंसंट्रेशन उसकी जीरो हो गई. दिस इज द लैम्डा एम जीरो. क्लियर? तो आप इस इक्वेशन को देखो तो आप लैम्डा एम जीरो निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन और दिस ग्राफ ऑन एक्स्ट्रापोलेटिंग दिस लाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और ये हर एक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल होगा. ओके, बस डिफरेंस क्या होगा, ए का डिफरेंस आएगा लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम का डिफरेंस आएगा, बिकॉज ए जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, वो हर एक इलेक्ट्रोलाइट की डिफरेंट होती है और ये उसके चार्ज पे डिपेंड करता है. हम इलेक्ट्रोलाइट को 1:1 का नाम, 2:2 का नाम देते हैं, जैसे NaCl चार्ज के बेसिस पे. ओके,
उसी तरीके से 2:2 हो जाएगा एम जी एस ओ फोर, बिकॉज एम जी पे भी प्लस टू है और एस ओ फोर पे भी टू माइनस है। 2:1 का भी हम दे सकते हैं एग्जाम्पल, सी ए सी एल टू, कैल्शियम पे प्लस टू है, सी एल पे माइनस वन है। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट का नाम हम देते हैं, इसको हम डिपेंड करता है कि इसके ऊपर चार्जेस क्या है। तो जो ए की वैल्यू है वो हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट होगी। ओके, तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। मीन्स इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द लैम्डा एम नॉट इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज़ पॉसिबल ऑन एक्सट्रापोलेटिंग दिस लाइन टू द वाई एक्सिस। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कर्व, और स्ट्रॉन्ग में और वीक में बहुत डिफरेंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बहुत स्लाइट इंक्रीमेंट आया, ओके, बहुत स्लाइट इंक्रीमेंट, लगभग ना के बराबर। मैंने कुछ ज़्यादा ही स्लैंट बनाया, लेकिन अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए इतना स्लैंट, इतना वो टिल्टेड नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बहुत कम इंक्रीमेंट है, लेकिन आप वीक में देखिए सडन इंक्रीज आ रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों है? तो पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इतना कम इंक्रीमेंट क्यों आ रहा है। बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? जो 100% पहले से आयनाइज होते हैं, यानी उनमें आयन्स ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट हैं, ठीक है। जब आयन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल NaCl के सोल्यूशन कोई डाल रखा है, तो Na प्लस होगा, Cl माइनस, बहुत सारे होंगे Na प्लस Cl माइनस, ओके। तो होता क्या है कि जैसे ही आपने NaCl को या किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजोल्व किया, इमीडिएटली नंबर ऑफ आयन्स फ्री हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयन्स फ्री होने के बाद वो अपनी कंडक्टिविटी को भी शो करेगा, मोलर कंडक्टिविटी को भी शो करेगा। मेरा ये कहना है कि जब ये 100% आयनाइज था तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बढ़ा क्यों हल्का सा? क्योंकि जब ये कंसंट्रेटेड होगा तो Na प्लस जो है ये सराउंडेड है किससे? Cl माइनस से या OH माइनस से, मतलब इसके एनायनिक रेडिकल से सराउंडेड है। एंड व्हेन इट ट्राइज टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन, तो इसके जो Cl माइनस जो इसको सराउंड करके रखे हैं, ओके, इसके जो Cl माइनस इसको जो सराउंड करके रखे हैं, ये इसको आगे मूव करने से रोकते हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन लग रहा है। तो जब ये आगे मूव करना चाहता है, या इसी तरह से Cl माइनस की बात करोगे तो उसको Na प्लस सराउंड करके रखेगा, तो Cl माइनस मूव करना चाहेगा तो Na प्लस उसको खींच के रखेंगे, बिकॉज उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन वो लगाते हैं। तो इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन की वजह से जब ये कंसनट्रेटेड है, तो इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन की वजह से द फ्लो, द मूवमेंट ऑफ दीज Na प्लस और Cl माइनस आयन इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जैसे आप डायल्यूट कर देते हो, तो डायल्यूट करने की वजह से ये इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन जो होता है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से Na प्लस हो चाहे Cl माइनस, उसको आगे मूव कर पाना आसान होता है, क्योंकि अब जो उसके सराउंडिंग में उसके काउंटर चार्ज वाले रेडिकल्स हैं वो उसको उतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए आयन्स का मूवमेंट ईजी हो जाता है, और इसी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी डायल्यूशन के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता हुआ दिखा रहा है। समझ में आया मेरा क्वेश्चन क्या था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब 100% आयनाइज है तो मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी? थोड़ी सी ही बढ़ी, पर क्यों बढ़ी? तो मैंने क्या बताया इसके पीछे रीज़न, कि 100% आयनाइज होने के बाद भी यहाँ पर जो भी कैटायन होता है या एनायन होता है, उसके चारों तरफ उसके अपोजिटली चार्ज आयन उसको सराउंड करके रखते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन बोलते हैं, और इसी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में इसी इंटर आयोनिक अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये इनकी मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, आयन्स मूव नहीं कर पाते हैं फ्रीली। लेकिन जैसे आप इसको डायल्यूट करते हो तो क्या होता है कि यही जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जो इनके बीच में लग रहा है ये डिक्रीज़ कर जाएगा, और ये Na प्लस या Cl माइनस या कोई भी कैटायन और एनायन आसानी से आगे की तरफ मूव कर पाएगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, इसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ओके, अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो हमारा कर्व है ये काफ़ी अलग तरीके का हमें दिख रहा है। देखिए क्या इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को घटा रहे हो या डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हो, तो ये पहले बहुत कम थी कंडक्टिविटी, फिर सडन राइज हुआ, और राइज होने के बाद ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। अब इसको चाहे इतना बढ़ाओगे ये टच नहीं करेगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन नॉट कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जब तक ये इसको टच नहीं करेगा वाई एक्सिस को, तब तक आप लैम्डा एम नॉट इंटरसेप्ट निकाल नहीं सकते हो। ओके, इसका मतलब है कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसका एक और नाम है मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डायल्यूशन के साथ साथ इसको हम एक और नाम देते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट
ये निकाल पाना हमारे लिए नामुमकिन है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ओके, अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये कौन से होते हैं, जो पार्शियली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर पार्शियली आयोनाइज्ड, ये हमारे जो होंगे पार्शियली आयोनाइज होंगे, पार्शियली आयोनाइज होने का मतलब कि इनमें नंबर ऑफ आयन्स ऑलरेडी पहले से कम थे। आपने जैसे इसको डायल्यूट किया, डायल्यूशन की वजह से नंबर ऑफ आयन्स बढ़ेंगे और कंडक्टिविटी इसकी बढ़ेगी। ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ इसका रैपिड इंक्रीमेंट दिखाई पड़ेगा, और रैपिड इंक्रीमेंट दिखाने के बाद आप इसको जैसे ही इनफाइनाइट डायल्यूशन तक लेके जाओगे तब भी आप इसमें लैम्डा एम नॉट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज 100% आयनाइजेशन किसी भी कंडीशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं हो सकता है। ओके, इस वजह से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि अगर हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे निकालेंगे लैम्डा एम नॉट इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले तो ये समझना है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू इनिशियली कम क्यों थी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम थे, क्योंकि ये पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। आपने डायल्यूशन बढ़ाया तो क्या हुआ, डायल्यूशन बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस रैपिडली इंक्रीज की, इसलिए ये बढ़ गया। ओके, बट विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ हमने क्या देखा कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है लाइन, जिसकी वजह से ये कभी भी टच नहीं करेगा वाई एक्सिस को, और लैम्डा एम नॉट हम इसका किसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकाल सकते। ओके, तो ये हमारा डिस्कशन हुआ इस ग्राफ का रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है तो हम निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालेंगे तो क्या होगा, उसके लिए कोलराश नाम का एक लॉ है जो हमें पढ़ना है। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कोलराश लॉ। ओके, तो द नेम ऑफ द लॉ इज कोलराश लॉ। कोलराश लॉ क्या कहता है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे स्टडी की, और स्टडी ये की और कि सबका मोल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाला, और उन्होंने क्या किया कैटायन को या एनायन को कॉमन रखा। फॉर एग्जांपल इन्होंने ये कहा कि जब हम इन्होंने एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ निकाली स्ट्रॉन्ग कई सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, कीपिंग ईदर कैटायन और एनायन कॉन्स्टेंट, और उनमें मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस निकाला, तो सारे केसेस में जो डिफरेंसेस आ रहे थे वो सेम आ रहे थे। जैसे इन्होंने क्या किया लैम्डा एम नॉट ऑफ KCl, ओके, इसकी वैल्यू इन्होंने निकाली तो ये 149.9 आई। देन उन्होंने लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl निकाली, इसकी वैल्यू इन्होंने निकाली तो ये 126.5 आई। इसका डिफरेंस इन्होंने निकाला तो 23.4 का आया। उसी तरीके से इन्होंने लैम्डा एम नॉट ऑफ KNO3 की वैल्यू निकाली और लैम्डा एम नॉट ऑफ NaNO3 की वैल्यू को निकाला, दोनों की वैल्यू निकाली तो ये आया 145.0 और ये आया 121.6। इसको भी सब्ट्रैक्ट किया तो 23.4 आया। देन इन्होंने लैम्डा एम नॉट ऑफ KBr की वैल्यू निकाली, लैम्डा एम नॉट ऑफ NaBr की वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू निकालने के बाद इसका भी जब डिफरेंस इन्होंने निकाला तो वो भी वही आया जो अभी तक सब में आया था। ओके, कितना आया 23.4। तो देखो सब में आपको दिख रहा है डिफरेंसेस सेम, और कॉमन क्या दिख रहा है एनायन सब में कॉमन है, मतलब एनायन का इसमें कोई खास रोल नहीं है, रोल किसका है K+ Na+ का। तो ओवरऑल इसमें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K+ माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ को निकालते हैं तो ये डिफरेंस फिक्स है 23.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल की वैल्यू आ रही है। ओके, यानी इन्होंने कहा कि अगर किसी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं जिसमें कैटायन कॉमन है तो उस केस में जो डिफरेंसेस आते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के वो सेम आते हैं। उसी तरह से इन्होंने एनायंस का भी लिया, एनायंस को कॉमन करके एनायंस के डिफरेंसेस को निकाला, जैसे लैम्डा एम नॉट ऑफ KCl, लैम्डा एम नॉट ऑफ KNO3 मींस कैटायन को कॉमन रखा एनायन को डिफर किया तो ये 149.9, Na है 145.0, सॉल्व करने के बाद आ रहा है 4.9। उसी तरह से लैम्डा एम नॉट ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl इज इक्वल टू 126.5 एंड लैम्डा एम नॉट ऑफ NaNO3, यानी कि अब इसमें हम एनायंस को लेके चल रहे हैं, यहाँ हमने कैटायंस को लेके चले थे हम। ओके,
यहाँ पे हम एनहांस को लेके चल रहे हैं, तो ये आ रहा है 121.6, ये ए भी आया 4.9, फिर लेमडा एम नॉट ऑफ एल आई सी एल एंड लेमडा एम नॉट ऑफ एल आई एन ओ थ्री, इसकी वैल्यू निकाली तो एल आई सी एल की आई 115.0 और ये आ जाएगी 110.1, सब्ट्रैक्ट किया तो आया 1.9। तो आपको ये वैल्यूज़ लर्न नहीं करनी है, आपको ये समझना है कि जब हम कैटायंस का डिफरेंस निकाल रहे हैं अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में, जैसे ये देखिए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंस निकाला, के प्लस एन एन ए प्लस का 23.4 आया, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि लेमडा एम नॉट ऑफ सी एल माइनस माइनस लेमडा एम नॉट ऑफ एन ओ थ्री माइनस को जो हम सॉल्व करते हैं तो ये 4.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर दोनों में ही देखिए डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं। तो इससे इन्होंने एक कंक्लूज़न निकाला कि हर एक एनायन हो चाहे कैटायन हो, उसका अपना कंट्रीब्यूशन है इसकी कंडक्टिविटी में, सॉल्यूशन की या इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी में। इसी बेसिस पे इन्होंने क्रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का एक लॉ दिया, ठीक है, जो कि अभी आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा है। ये इन्होंने कहा कि दिस लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन विद विच इट इज एसोसिएटेड। इसको हम एक और लैंग्वेज में कहें, अगर एक और स्टेटमेंट कहना चाहें तो दिस मीन्स दैट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अ गिवन सॉल्ट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और इसी बेसिस पे इन्होंने सीधे सीधे एक फॉर्मूला दिया कि लेमडा एम नॉट इज इक्वल टू न्यू प्लस लेमडा जीरो प्लस प्लस न्यू माइनस लेमडा जीरो माइनस। ये एक फॉर्मूला आया इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्रॉस लॉ का, जिसके हिसाब से ये आपका लेमडा एम नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये आपका नंबर ऑफ कैटायंस हैं, कितने नंबर ऑफ कैटायंस होंगे, ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन, क्योंकि प्लस साइन लगा हुआ है। सिमिलरली ये नंबर ऑफ एनायंस हो जाएंगे और ये आपका हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन। ओके, अब इसको अगर हम किसी एग्जांपल से समझें, जैसे अगर आपसे कहें कि NaCl है, तो NaCl का अगर आपको लेमडा m निकालना है तो इट इज़ इक्वल टू लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस, यानी कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो होगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस उसका सम। उसी तरीके से अगर CaCl2 है तो लेमडा नॉट ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा जीरो ऑफ Ca2 प्लस प्लस कितने क्लोराइड आयंस यहाँ से निकलेंगे, 2, तो 2 इंटू लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, लेमडा एम नॉट इज इक्वल टू न्यू प्लस लेमडा प्लस प्लस न्यू माइनस लेमडा माइनस लेमडा नॉट ऑफ माइनस। ओके, इसको नीचे आप लगाइए ज़्यादा सही है, बिकॉज इस तरीके से, क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, क्लियर। उसी तरीके से कोई और फॉर्मूला ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने लिया Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसका हो जाएगा लेमडा एम Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू लेमडा, अब कितने एलुमिनियम आयन है, 2 है, तो 2 कैटायन इंटू लेमडा, अब Al पे क्या चार्ज आएगा, प्लस 3 प्लस 3 सल्फेट रेडिकल्स होंगे लेमडा जीरो ऑफ SO4 2 माइनस। तो आपको ये जानना है कि किस आयंस में टूटता है ना, जैसे Al2 SO4 होल थ्राइस जो है ये जब ब्रेक डाउन होगा तो 2 Al3 प्लस में टूटेगा और 3 SO4 2 माइनस में टूटेगा, उसी बेसिस पे आपने ये फॉर्मूला फ्रेम किया। ओके, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस लॉ, एप्लीकेशन। नाउ एप्लीकेशन में पहला जो एप्लीकेशन है, हम विद द हेल्प ऑफ दिस क्रॉस लॉ हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ओके, मींस वी कैन कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ
लेमडा एम नॉट ऑफ मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको मैं समझा देता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल जो आपका CH3COOH है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब आपको इसका लेमडा एम नॉट निकालना होगा तो आप फॉर्मूले से मतलब आप मतलब अगर आप उस ग्राफ से निकालना चाहो तो नहीं निकाल सकते बिकॉज वो टच ही नहीं करेगा। क्रॉस लॉ के फॉर्मूले के हिसाब से इसको जब ब्रेक डाउन करते हो तो इस दो कैटायंस और एनायंस में टूटेगा। ओके क्लियर हुआ। तो अगर आपको इनके दोनों कैटायंस और एनायंस की वैल्यूज मिल जाए तो आप निकाल सकते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, तीन सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को लेंगे। एक ये ले लिया, फिर हमने NaCl को ले लिया, ओके, और देन हमने HCl को ले लिया। जब हम इनकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगी, लैम्डा जीरो ऑफ CH3CO- माइनस प्लस लैम्डा जीरो ऑफ Na प्लस। इसको सॉल्व करोगे आप तो लैम्डा जीरो ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा जीरो ऑफ Cl माइनस। इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा जीरो ऑफ H प्लस एंड लैम्डा जीरो ऑफ Cl माइनस। नाउ हमें क्या चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए मींस लैम्डा जीरो ऑफ CH3CO- माइनस प्लस लैम्डा जीरो ऑफ H प्लस। तो ये वैल्यू आपको इस जगह इस इक्वेशन से मिल रही है, मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर वन है, ओके। H प्लस कहाँ से मिल रहा है, इस इक्वेशन मिल रहा है, मतलब ये इक्वेशन नंबर थ्री है, ये इक्वेशन नंबर टू है। तो अगर हम पहले और तीसरे को जोड़ दें इक्वेशन को तो हमें CH3CO- माइनस भी मिल जाएगा, H प्लस भी मिल जाएगा, पर हमें दो एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही हैं Na प्लस एंड Cl माइनस। तो हम क्या करें, अगर हम इस वैल्यू को माइनस कर दें तो हमें Na प्लस Cl माइनस से छुटकारा मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन वन एंड थ्री, फिर देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड, ओके। यानी कि आपने क्या किया, लैम्डा जीरो ऑफ CH3COONa प्लस लैम्डा जीरो ऑफ HCl, इनको ऐड किया, तो ऐड करने से ये सारे वैल्यू ऐड हो गई, फिर आपने लैम्डा जीरो ऑफ NaCl को माइनस कर दिया, तो ये NaCl इससे कैंसिल हुआ, ये Cl- इससे कैंसिल हुआ, बचा क्या, ये दोनों से बचा। तो ओवरऑल हमारा क्या आ गया, लैम्डा जीरो ऑफ CH3COO- प्लस लैम्डा जीरो ऑफ H+, जो कि हमारा लैम्डा जीरो ऑफ CH3COOH ही है। यानी विद द हेल्प ऑफ दिस क्रॉस लॉ यू कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्या है इसका एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन इज द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मीन्स अल्फा को हम निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सीधे, आप इसको लर्न कर लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस फॉर्मूले से आप अल्फा निकाल लेंगे, ओके। एंड द थर्ड एप्लीकेशन इज द हम इससे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के निकाल सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला पहले से पता है, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा हुआ है, ये इसका फॉर्मूला है। आप अल्फा यहाँ से निकालिए, उसको पुट करिए, कंसंट्रेशन आप पहले से जानते हैं और आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी मिल जाएगा। सो बस आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा की हो चुकी है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। थैंक यू, बाय बाय।